Hello, hello guys. Happy New Year. How are you all doing? I hope आप सब बहुत बहुत अच्छे से हैं एंड ये साल का जो शुरुआत हुई है ये बहुत बहुत ज़बरदस्त हुई होंगी आप सबके लिए. सो टुडे राइट नाउ आई एम एज प्रोमिस्ड एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू बी कमिंग लाइव, जिसमें मैं अपनी सारी न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगी, विच इज ऑफ कोर्स फ्रॉम माई ब्रांड विच इज कॉल्ड ब्लिंग बाय नादिया हुसैन. इन फैक्ट मैं ये जो पेज जो है वो मेरा जो वेबसाइट है दैट आई एम गोइंग टू टैग राइट हियर. सो एंड आई एम गोइंग टू पिन दिस दिस आई एम गोइंग टू पिन दिस कॉमेंट राइट हियर. अच्छा जी, सो फर्स्टली कैसे हैं आप सब लोग. एंड अच्छा जी, सो गाइस इन फैक्ट आई थिंक आई एम गोइंग टू बी मैं जो हूँ ना वो अभी अपने कमेंट्स को ऑफ कर देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारी मैं यू नो कमेंट्स की वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. अच्छा जी, सो टुडे दिस यू नो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दैट हैव लॉन्च्ड एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए. सो मुझे तो खैर समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट ऑफ कोर्स यू नो इफ आई एम गोइंग टू क्विकली से दैट आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विथ माई यू नो सिरम, जो कि मेरा ये गोल्ड डिगर सिरम है. आई एम गोना क्विकली स्टार्ट ऑफ विद दैट एंड देन साथ साथ में ये तो खैर मेरी प्रोडक्ट जो है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हुई है. एज अ लॉट ऑफ यू नो द सिरम एंड द प्राइमर इज ऑलरेडी लॉन्च. ये गोल्ड डिगर सिरम है जिसके अंदर गोल्ड है और बहुत से लोग पूछते हैं कि जी ये स्किन केयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है. येस इट कैन बी यूज एज अ स्किन केयर. इसके अंदर प्योर गोल्ड फ्लेक्स हैं एंड इसके बाद जो है वो मैं अपना जो ये सुपर्ब प्राइमर है जिसकी इतनी हाई डिमांड है, बिकॉज दिस इज अ कलर करेक्टिंग प्राइमर एंड दिस इज बैक इन स्टॉक गाइज. सो येस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेरीज हैव बिन कमिंग फॉर दिस प्राइमर. बहुत से लोग जो हैं वो इस प्राइमर के लिए बहुत बेताब थे. तो जी ये प्राइमर वापस से स्टॉक हो चुका हुआ है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, विच इज www.blingbynadiyahusain.com. अच्छा जी, तो सिरम और प्राइमर मैंने लगा लिया है. ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ यू नो वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस दैट इज दिस अंडर आई प्राइमर. आप ये देख सकते हैं दिस इज एन अंडर आई प्राइमर जिनकी बहुत ज्यादा आंखों के नीचे रिंकलिंग है और ड्राई आईज होती हैं उनकी. यू नो लाइक दे कैन यूज दिस एज एन अंडर आई प्राइमर. और ये क्योंकि इतनी छोटी सी ट्यूब में है इस वजह से इसको जो है वो बहुत ज्यादा नहीं यू नो इस्तेमाल करना है, बहुत कम इस्तेमाल करना है. सो मैं जो हूँ वो आपको दिखाती हूँ कि ये एक अंडर आई प्राइमर है और इसमें जो क्वांटिटी जो मैं इस्तेमाल करूंगी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टाइनी ड्रॉप. इतना सा जो ये ड्रॉप है ये इतना सा ड्रॉप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडर माय आईज, जिसके अंदर आई मेकअप जो है वो अंडर आईज के ऊपर, नॉट आई मेकअप, अंडर आईज की जो ड्राइनेस एंड रिंकलिंग के लिए दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ठीक है, तो ये आप अपने प्राइमर और सिरम लगाने के बाद इतना छोटा सा जो ड्रॉप है वो आप अपने सिर्फ और सिर्फ अंडर आईज पे लगाएंगे, अपने अंडर आई को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करने के लिए, खास तौर पे वो लोग जिनकी अंडर आईज की रिंकलिंग का प्रॉब्लम है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, बिकॉज मैं एक्चुअली साथ साथ में मेकअप भी कर रही होंगी तो साथ साथ में आपको प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बताऊंगी. तो ये एक प्रोडक्ट है अंडर आई प्राइमर जो कि बहुत जल्द वेबसाइट पे आ जाएगा. प्राइस सारा मैं आपको यू नो इस वक्त नहीं बता सकूंगी क्योंकि ये इस वक्त लॉन्च हुआ नहीं है. सो प्राइस आप लोगों को जल्द पता ही लग जाएगी वेबसाइट के ऊपर. अच्छा जी, तो ये मैं जल्दी से जो हूँ वो अपना फाउंडेशन जो कि मेरा ये पंप इट अप फाउंडेशन है ये ऑलरेडी ऑफ कोर्स लॉन्च हो चुका हुआ है ऑन द वेबसाइट. सो दिस इज अ सुपर हाइड्रेटिंग यू नो एब्सोल्युटली अमेजिंग फाउंडेशन फॉर द विंटर्स एंड जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स एन एब्सोल्युटली फैंटेस्टिक फाउंडेशन. ये 2500 का है और क्योंकि ये पंप यू नो फॉर्म में आता है तो इसमें कोई वेस्टेज भी नहीं होती है. तो जल्दी जल्दी से मैं जो हूँ वो इस वक्त ये अपना फाउंडेशन जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ, बिकॉज अमंग्स द न्यू आइटम्स दैट हैव लॉन्च
देर आर पाउडर्स, तो वो पाउडर जो है वो तो जाहिर है फाउंडेशन लगाने के बाद ही जो है वो मैं लगाऊंगी आपको दिखाने की खातिर. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोना क्विकली अप्लाई माई फाउंडेशन. अच्छा, सो देर आर पाउडर्स दैट हैव लॉन्च्ड एंड कॉम्पैक्ट एज वेल. उफ, अल्लाह, क्या ड्राई स्किन हुई भी है, हर तरफ जो है वो ड्राई स्किन हुई भी है. सो अभी मैं ये जो कलर है, मैं ये कलर एंजल लगा रही हूँ इन माई फाउंडेशन. एंड एज यू सॉ कि Oh, मैंने thank अंडर you. आई पे Free of charge. प्राइमर जो है वो पहले मैंने लगाया था. सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया था जो अंडर आई प्राइमर है, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ. एंड विच इज द पम्प इट अप फाउंडेशन दैट आई हैव यूज्ड इन द कलर एंजल. ओके, आई होप दैट दिस इज चार्जिंग. यस, इट्स चार्जिंग. ओके जी, सो दिस इज द फर्स्ट यू नो द न्यू प्रोडक्ट जो मैंने आपको बारे जो आपको बताया है, विच इज एक्चुअली द अंडर आई प्राइमर. एंड वेरी 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 गुड फॉर दोस्त जिनके बहुत ज़्यादा रिंकलिंग होती है अंडर आई पे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये अंडर आई प्राइमर. अभी मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया है. आई एम गोइंग टू, आई थिंक, लेट मी क्विकली ऑल्सो पुट माई कंसीलर, जो अंडर आई कंसीलर है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. वैसे तो खैर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हुआ है, मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि ये अंडर आई कंसीलर्स हैं जो कि लॉन्च हुए हैं. इसके अंदर पांच कलर्स हैं, एंड देर इज क्रीम, देर इज आमंड, देर इज नूगट, एंड देर इज बटर. और ये जो ऑरेंज है ये है कलर करेक्टर जो कि आप डार्क सर्कल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, कलर करेक्टर. तो अभी जो है वो मैं अपना कलर इस्तेमाल कर रही हूँ आमंड, विच आई एम गोइंग टू यूज ऑन माई अंडर आई. थोड़ा थोड़ा मैं लगाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी, बिकॉज यू नो मतलब आई डोंट वॉन्ट लाइक इस वक्त मैं बहुत ज्यादा अपना हैवी बेस के साथ और हैवी अपनी लुक नहीं कर रही हूँ. मैं थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर लगा के, अंडर आई कंसीलर लगा के, एंड देन अमंग्स द न्यू प्रोडक्ट्स दैट हैव लॉन्च्ड आर दीज एब्सोल्युटली अमेजिंग पाउडर्स. सो दीज आर द लूज पाउडर्स, इनका नाम है व्हाट्स बेकिंग. तो ये लूज पाउडर हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, इसमें चार कलर्स हैं. सो देर इज व्हाइट चॉकलेट इन दिस, देर इज आमंड, ओके, इसके अंदर जो है वो नूगट एंड क्रीम. तो सबसे जो लाइटेस्ट कलर है, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको दिखाऊंगी कैसे, बट लेट मी ट्राई एंड शो यू द कलर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ लूज पाउडर, यू नो, सो मैं इसको बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं कर सकती हूँ वरना जो है ये गिरने शुरू हो जाएगा. बट ये जो सबसे लाइटेस्ट कलर है वो है ये व्हाइट चॉकलेट. इट लुक्स वेरी वेरी व्हाइट, लेकिन इतना व्हाइट है नहीं ये. ये है व्हाइट चॉकलेट. और जो अगला कलर है दैट इज क्रीम. लेट मी शो यू क्रीम, देयर इज क्रीम राइट हियर. ओके, क्रीम. अच्छा, ये लाइट इतनी ज्यादा है कि ये क्रीम जो कलर्स हैं वो अच्छे इतने ज्यादा यू नो लाइक वो ब्लीच आउट हो रहे हैं. ये है कलर क्रीम, और ये है कलर आमंड. ये थोड़ा सा वार्मर टोन पे है. आई डोंट नो अगर आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कि नहीं, बट यू नो इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट ये काफी कलर जो है वो ब्लीच आउट हो रहा है. और फिर ये है आखिरी कलर विच इज नूगट, विच इज लाइक अ स्लाइटली पिंकिश पिंकिश सा शेड. तो मैं जो हूँ ये लूज पाउडर एक्चुअली आप अपने अंडर आई बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे वो लोग जो कि यू नो जो बहुत ज़्यादा जिनकी अंडर आई पे रिंकलिंग नहीं है, ठीक है. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. अगर आपकी अंडर आई पे रिंकलिंग है तो आप बेकिंग नहीं करेंगे. अगर आपकी अंडर आई पे रिंकलिंग नहीं है तो फिर आप बेकिंग कर सकते हैं. बेकिंग मीन्स कि जी आपने अंडर आई पे जो है वो अपना अच्छे तरीके से कंसीलर फाउंडेशन को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया, और उसके बाद आप जो है वो लूज पाउडर लेके, जिस तरीके से मैं ये लूज पाउडर ले रही हूँ, इसके अंदर एक स्पंज भी दिया हुआ है, ये लूज पाउडर लेके और ये पाउडर लेके आपने जो है वो अपने अंडर आई को हल्का हल्का सा बेक करना है, ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज अ बेकिंग पाउडर विच इज बेसिकली नॉट एग्जैक्टली जो किचन वाला बेकिंग पाउडर है. ये बेकिंग आप कर सकते हैं अपने अंडर आई पे, और जहां पे भी आपको जो है वो फील होता है यू नो लाइक आई मीन कोई भी
आप तरीके कार इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लूज पाउडर करना है आप लूज पाउडर कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको कॉम्पैक्ट करना है तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी जो है वो मेरे लॉन्च हुए हैं, विच आर दीज, दीज आर द पावर बफ्स, दीज आर द कॉम्पैक्ट पाउडर्स। इसके अंदर जो कलर्स हैं, दीज कलर्स आर ऑल्सो, देर आर सिक्स शेड्स इन दिस, ओके। इसके अंदर भी आमंड है, ओके, सो द पाउडर गिरा हुआ है, इसके अंदर आमंड है, देर इज ट्राइफल, देर इज, ओके लेट मी शो यू द कलर्स, ओके वेट 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 वेट, अच्छा जी, सो ये है कलर आमंड, ओके ये है कलर ट्राइफल, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको नजर आ रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, थोड़ा दूर से मैं अगर दिखाऊं आपको, अच्छा जी ये है कलर ट्रफल, ये है कलर ट्रफल, ये के लिए इतना ज्यादा क्योंकि लाइट की वजह से जो है ये नहीं, आपको थोड़ा ब्लीच आउट हो रहा होगा। ये है कलर बनाना ब्रेड, ये थोड़ा सा येलोई टोन में है, और ये है कलर क्रीम, ये कलर है क्रीम, ओके यू कैन सी हल्का हल्का सा डिफरेंस, और ये जो कलर है दिस इज मूस, ये सबसे डार्केस्ट शेड है, इनफैक्ट ये है मूस, ओके ये है सारे के सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स। सो मैं जो हूँ वो अभी अपने फेस के ऊपर मैं इनफैक्ट लगाऊंगी ट्राइफल, सो या ट्राइफल इज मोर लाइक अ स्लाइटली वार्मर टोन, ये आप देख सकते हैं, ये क्रीम है, नहीं सॉरी ये आमंड है, और ये है ट्रफल, सो ट्राइफल जो है वो स्लाइटली अगेन हल्का सा वार्मर टोन पे है, ये है ट्राइफल। तो मैं जो हूँ वो इसको पाउडर ब्रश के साथ अपने यू नो कॉम्पैक्ट के अंदर इस तरीके से इसको डिप करके, और फिर मैं अपने फुल फेस के ऊपर जो एक्सेस पाउडर मैंने जो लगाया था, जो बेकिंग पाउडर, जो व्हाट्स बेकिंग पाउडर जो मैंने लगाया था, उसके साथ जो है वो मैं उसको इस तरीके से पूरे फेस के ऊपर मैं ये पाउडर को लगा लूंगी, ठीक है। सो यू नो कोई भी तरीकेकार आप यू नो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको पाउडर लगा के, लूज पाउडर लगा के फिर आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, या आपको सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाना है, कोई भी गलत या सही तरीका नहीं है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो एक ऑप्शन होना अच्छा है कि अगर आपको कॉम्पैक्ट चाहिए या आपको लूज पाउडर चाहिए, दैट इज रीजन वाई बोथ प्रोडक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड। अच्छा जी, अब मैं जो हूँ वो जल्दी से अपना कॉन्ट्रोल कर रही हूँ विथ माई ग्लैम बेब कॉन्ट्रोल पैलेट, इसके अंदर भी एक पाउडर है, सो दिस इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग पैलेट फॉर समबडी हु इज ऑन द गो, इसके साथ आप आई मेकअप भी कर सकते हैं, इसके साथ आप कॉन्ट्रोल वगैरह पूरी अपना अच्छी तरीके से फुल फेस का मेकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस फॉर माई कॉन्ट्रोल जस्ट क्विकली क्विकली, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बड़ी ज़बरदस्त न्यू प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी से ये कॉन्ट्रोल कर लूँ, ओके सो अच्छा जी ये कॉन्ट्रोल मैंने कर लिया है, लेट मी क्विकली ऑल्सो डू माई ब्लश ऑन विच इज माई ब्लश इन ग्लो ब्लश ऑन। इस वक्त मैं जो हूँ ना वो हर तरफ मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं हर तरफ, एंड आई एम जस्ट लाइक डिगिंग इन टू माई वैनिटी and you know taking out some of the products, so this is my blush and glow shimmering blush on palette, to ye jo hu main halka sa laga leti hu, acha ji so this is the shimmering blush on, ye already launch ho chuke mein hai products, some of these products are already launched, these are not the new products, theek hai, so ye shimmering blush on blush and glow already launch ho chuka hua hai, theek hai, acha ji so shimmering blush on maine laga liya hai, okay पाउडर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ओके लेट्स मूव ऑन टू अलॉट ऑफ यू पीपल जो कि पहले मेरी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुई थी उसमें से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि यू नो बहुत पॉपुलर रही हैं, लेकिन वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, सो नाउ ये क्रेयॉन्स जो हैं ये वापस से इन स्टॉक आ गए हैं, क्योंकि ये जो क्रेयॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे, इसके अंदर बीच में कुछ इशू आ रहा था रिगार्डिंग यू नो लाइक सम ऑफ द कलर्स बिकमिंग अ बिट ड्राई, तो अब जो है वो हमने थोड़ी सी इसकी फॉर्मुलेशन चेंज की है, और इसके अंदर हमने सिर्फ 4 कलर्स लॉन्च किए हैं, सो देयर इज चारकोल, देयर इज एस्प्रेसो, मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, ये है एस्प्रेसो,
ये है एस्प्रेसो, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन के शेड में है, दिस इज़ एस्प्रेसो। फिर इसके बाद ये है कॉफ़ी, ये भी एक ब्राउन की शेड है। तो मैंने जो टोन्स जो अभी सेलेक्ट किए हैं वो मैंने वैसे सेलेक्ट किए हैं जो कि बड़े रोज़मर्रा में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कॉफ़ी कलर, और उसके बाद फिर है देयर इज लाटे। लाटे इज सच अ ब्यूटिफुल कलर, सो यू नो, ये ऐसे डेली यूज के कलर्स हैं। ये है लाटे, एक शिमरी शिमरी सा शेड है ये, और बल्कि ये सारे ही स्लाइटली शिमरी शेड्स हैं, लाइक नॉट शाइनी लेकिन हल्का सा इसमें एक यू नो शिमर सा आता है। और ये है ब्लैकिश कलर जो कि है चारकोल, सो दिस इज द चारकोल कलर, एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर क्रिएटिंग इजी स्मोकी लुक्स। तो मैं जो वो देखती हूँ अगर मैं ये इस्तेमाल करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मैंने अपनी रिसेंटली चैलेंजेस में भी ये इस्तेमाल किया था, एंड विच आई क्विकली यू नो वॉज पुटिंग चारकोल ऑन माई आई, और उसके ऊपर फॉरन से मैंने ग्लिटर लगा लिया तो मेरी लुक जो है वो कम्प्लीट हो गई। अच्छा जी, सो ये क्रेयॉन्स अभी न्यू कलर्स में, क्रेयॉन न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्च में जो है वो अभी क्रेयॉन्स भी लॉन्च हुए हैं, बिकॉज यू नो दे वर आउट ऑफ स्टॉक, सो बेसिकली इस वजह से जो है वो मैंने उसको रीस्टॉक किया है, बट सिर्फ चार कलर्स रीस्टॉक हुए हैं, बिकॉज यू नो आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज फीलिंग कि जो बाकी कलर्स हैं वो थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो रहे थे, इस वजह से मैंने बाकी कलर्स रीलॉन्च नहीं किए हैं। ओके गाइस, सो अमंगस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड आइटम्स जो कि आप सब लोगों ने बहुत 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 यू नो रिक्वेस्ट की थी हम लोगों से, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी इस प्रोडक्ट की, आर माई गाइस, सो दीज आर फाइव कलर्स। ये है इतनी बड़ी पैकेजिंग इसकी, ये है लिप टिंट्स, ओके। इसके अंदर जो कलर्स हैं, ये कलर है ट्यूलिप, ये कलर है रोज, ये कलर जो है दिस इज डेलिया, दिस इज द कलर डेजी, एंड दिस इज द कलर लिली, ओके। सो लाइक सबसे जो इसके अंदर आई थिंक जो लाइटेस्ट कलर है, लेट मी शो यू, दिस इज ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है वो लाइक एक पिंकिश सा टोन आता है, ओके, सो पिंकिश येलो रेडिश सा हल्का सा ये टोन आता है, दिस इज ट्यूलिप, ओके। मेरे हाथ जो है ना इस वक्त सारे भर जाएंगे रंग से। अच्छा जी, ये है रोज, दिस इज रोज, तो ये आप देख सकते हैं ये स्लाइटली ऑरेंजी सा कलर है, ये स्लाइटली पिंकिश रेडिश सा कलर है, ये कलर है रोज, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको ट्राई कराती हूँ डेलिया, ये डेलिया है कलर, ओके। ये उससे भी थोड़ा सा लाइटर पिंक टोन में है, ये है डेलिया, ठीक है, ये डेलिया है। सो ये था ट्यूलिप, रोज, डेलिया, देन डेजी, ये भी एक पिंकिश थोड़ा सा डार्किश पिंकिश कलर है ये, और जो सबसे डार्क कलर है दैट इज लिली, ओके। ये सुपर पिगमेंटेड शेड्स हैं, आई मीन दे आर सो सुपर पिगमेंटेड कि आसानी से जो है ये हटने वाले नहीं हैं ये शेड्स। तो मैं आपको फिर बता दूं कि दिस वाज ट्यूलिप, दिस वाज रोज, दिस वाज डेलिया, डेजी एंड लिली, ओके। तो ये हैं सारे शेड्स लिप टिंट्स के जो कि आप यू नो आप एक लिप के लिए एंड चीक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लश ऑन लगा लिया है, ये मेरी गलती हो गई है, लेकिन ये है कि मैं आपको जो हूँ वो जस्ट यू नो लाइक जस्ट एज अ मैं आपको जो हूँ वो लिप के ऊपर आपको लिप टिंट लगा के दिखा देती हूँ कि इसका कितना पिगमेंटेड शेड है, कि आप बिल्कुल हल्का सा, अभी मैंने ये कलर जो है वो मैं डेजी ले रही हूँ, ठीक है, और बहुत सुपर पिगमेंटेड शेड्स हैं ये, और पूरा दिन नहीं हटेंगे, लाइक दे आर सो सुपर अमेजिंग एंड सुपर पिगमेंटेड। तो ये आप अपनी चीक्स पे भी लगा सकते हैं एज अ चीक टिंट, एज अ ब्लश ऑन, एंड दे आर वाटर बेस्ड, तो ये ऑयली नहीं है, और ये शियर भी नहीं, मतलब ये शिमरी नहीं है, और ये मॉइस्चराइजिंग भी नहीं है, ठीक है।
तो ये टिंट्स हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, जो कि सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर एक रंग दे देते हैं, एक टिंट दे देते हैं। तो ये हैं टिंट्स, ये सारे के सारे जो ये आपको कलर्स मैंने दिखा दिए हैं, ये 5 कलर्स हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी नाउ दैट दिस हेयर बिकम एब्सोल्युटली ड्राई, और अब ये हिलेगा भी नहीं, हटेगा भी नहीं, ठीक है। ये टिंट जो है ये ड्राई हो चुका है, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि लिप्स पे कुछ लगा हुआ है, ना कोई मॉइस्चर इसमें है, बिकॉज इट इज अ वाटर बेस्ड टिंट। ये जब लगेगा सूख जाएगा, और उसके बाद जो है ये रंग आपके लिप्स पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये फैलेगा भी नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये फैलेगा भी नहीं, ओके। सो दिस इज हाउ पिगमेंटेड इट इज, एंड इट इज गोइंग टू स्टे ऑन प्रीटी मच, यू नो, द होल डे, आई वेरी मच गारंटी दैट। ओके जी, सो रिसेंटली अभी मैंने अपनी चैलेंजेस में जो है वो कुछ ऐसे कलर्स इस्तेमाल किए हैं आई लाइनर्स के, जो कि नियॉन आई शेड्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ यू हैव बिन आस्किंग अब मी कि ये प्रोडक्ट जो है ये कब लॉन्च होगा। सो लेट मी शो यू ऑल द कलर्स। ओह माय गॉड, लुक एट दीज बेबीज, ओह माय गॉड, आर दीज फन। ओके, सो लेट मी देन शो यू अगेन। ये मेरे हाथ से जो है ये गिर रहा है इस वक्त। ओके, ये है कलर डार्क ब्लू, उफ व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। ये है कलर ऑरेंज, ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑरेंज। ये है कलर स्काई ब्लू, उसके बाद कॉरल, ये ऑरेंजी सा कलर है। कॉरल मैंने उस दिन लगाया हुआ भी था अपने लास्ट चैलेंज में, कॉरल। फिर ये है फूशिया, दिस इज फूशिया। ये है पैरेट ग्रीन, और ये है येलो ऑफ कोर्स। ब्राउन मैंने कल अपने चैलेंज में इस्तेमाल किया था, ये है डार्क पिंक। ये है बेबी पिंक, एंड ये है वाइट, और ये है पर्पल। सो दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग वाटर प्रूफ आई शेडोज। और ये आप, अगर आपको मैं दिखाऊं कि जिस तरह येलो है फॉर एग्जाम्पल, येलो का इतना ये सुपर पिगमेंटेड है कि नॉर्मली भी जो है वो कोई येलो जो है वो आपके हाथों पे जो है वो इतना येलो नहीं दिखेगा जितना कि ये जो कलर है येलो, ये आपके हाथ पे जो है वो विजिबल होगा या आंखों पे विजिबल होगा। ओके, तो मैं इस वक्त जो हूँ वो ये आपको कलर दिखा रही हूँ। दिस इज हाउ सुपर पिगमेंटेड दीज आई लाइनर्स आर, और इसका बहुत ही खूबसूरत, इसका मैं आपको ग्रीन भी शेड दिखा देती हूँ, मैं वैसे ही आपको कलर्स दिखा रही हूँ। इसका इस किस्म से जो है वो ये एप्लीकेटर है, एंड लेट इट जस्ट ड्राई अप अ लिटिल बिट, एंड देन आई विल शो यू दैट इट इज ऑल्सो, यू नो, वाटर प्रूफ, ठीक है। सो इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त जो है ये देखें आप, ये येलो और ग्रीन मैंने आपको ट्राई करके दिखाया है। लेट्स ट्राई मे बी से लाइक द स्काई ब्लू कलर, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी, यू नो, लाइक फन कलर्स। आई एब्सोल्युटली लव दीज शेड्स ऑफ माइंड, दीज आई लाइनर्स। हल्का सा आपने आई लाइनर अपने आंखों पे लगा लिया, एंड यू आर गुड टू गो फॉर लाइक अ फन एंड फंकी लुक, यू नो। आई लव दीज आई लाइनर्स, ओ माई गॉड, लुक एट दैट, लुक एट हाउ पिगमेंटेड इट इज। अच्छा, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पिगमेंटेशन जो है वो कितनी वाटर प्रूफ है, और ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, ठीक है ना। सो दीज वर द क्रेयॉन्स, दीज आर द टिंट्स। ये टिंट्स जो हैं ये ड्राई हो चुके हैं, तो ये टिंट भी जो है वो नहीं हट रहा है। अभी ये आईलाइनर्स जो हैं ये अभी सूख रहे हैं। सो इन द मीन टाइम लेट मी मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ओके, नाउ देर आर टू क्रेयॉन आई ब्राउ मस्कारा दैट हैव लॉन्च्ड, और ये मस्काराज बहुत ही जबरदस्त हैं। इसके अंदर ये है कलर नंबर टू, ये है कलर नंबर थ्री। कलर टू जो है वो डार्क ब्राउन है, कलर टू थोड़ा सा ब्राउन है, और कलर थ्री जो है वो डार्क ब्राउन है। मैं जो हूँ वो इस वक्त कलर टू आपको लगा के दिखाती हूँ। बहुत आसान तरीका है इन आईब्राउ मस्काराज का इस्तेमाल करने का। आप जो है वो आईब्राउ, ओके, बल्कि एक मिनट, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, विच आर दीज आईब्राउ जेल्स एंड आई लाइनर्स एज वेल। तो इसके अंदर भी जो है वो बड़े जबरदस्त इसके अंदर शेड्स हैं। दीज आर द शेड्स, ये आईब्राउ जेल्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। दिस इज ग्रेनाइट, ये एब्सोल्युटली प्योर ब्लैक में है ये, ठीक है। ये जो है दिस इज सॉफ्ट ब्राउन, ये आप ब्राउन शेड देख सकते हैं। और ये है डार्क ब्राउन कलर। ये जो है दिस इज एश ब्राउन, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन से भी ज्यादा डार्क है कलर।
दिस इज अ मीडियम ब्राउन, ठीक है, ये मीडियम ब्राउन कलर है, ये है कलर चॉकलेट, ओके. नाउ दीज कलर्स आर मोर फॉर आई लाइनर्स, ठीक है, ये जेल आई लाइनर्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ये है कलर एबनी, ये भी बड़ा डार्क सा कलर है, एंड दिस इज द कलर कैरमल, ओके. नाउ दीज कलर्स कैन ऑल्सो भी यूज एज एन आई लाइनर, आप इसको एज एन आई शेडो बेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली आप किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं जो हूँ वो आपको एक में जो है वो मैं आपको आईब्रो जेल करके दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मीडियम ब्राउन, बस एक कलर मैंने उठा लिया है मीडियम ब्राउन, मैं मीडियम ब्राउन शेड जो है ये आपको एक आईब्रो ब्रश, एंगल्ड आईब्रो ब्रश के साथ इस्तेमाल करना है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू कैन यूज दिस आईब्रो जेल. सो इस तरीके से जो है ये जेल बड़ी सुपर पिगमेंटेड है ये, तो आपको बड़ी थोड़ी सी तरीके से इस्तेमाल करनी होगी इसको, बिकॉज इट इज़ अ जेल, ठीक है, एंड इसमें जो है वो आपके काफ़ी जो है वो यू नो आपका जो तरीका है इसको इस्तेमाल करने का नीड्स टू बी वेरी प्रॉपर, ठीक है. सो आप इसको थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट ये आपको बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आईब्राउज आपकी बन जाएंगी इससे. सो दिस कलर दैट आई एम यूजिंग इज एक्चुअली मीडियम ब्राउन, लेकिन क्योंकि ये ऑल ऑफ दी शेड्स आर अगेन सुपर पिगमेंटेड, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और ये आपके यू नो सूखने के बाद जो है फिर ये हिलेंगे भी नहीं, मतलब कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है ये आपकी आईब्राउज पे एक जो शेड है वो आ जाएगा, ठीक है. सो यू नीड टू बी ऑफ कोर्स लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज ये जेल है और ये अगर एक्सेस लग जाए तो फिर जो है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके. तो मैंने जो है वो एक आईब्राउ पे जो है वो मैंने अपनी जेल लगा ली है, और इसको आप जो है वो ब्रश भी कर सकते हैं आईब्राउ ब्रश के साथ, जो ये स्पूली ब्रश है, ताकि पिगमेंट जो है वो अच्छी तरीके से यू नो स्प्रेड भी हो जाए और हर तरफ जो है वो लग जाए इस तरीके से. सो आई एम नाउ जस्ट यूजिंग अ स्पूली ब्रश, ताकि मैं थोड़ा सा जो हूँ वो इसको आईब्रोज को अपना हल्का सा सॉफन कर सकती हूँ. एंड दिस इज हाउ माई आईब्रो इज लुकिंग. सो या इट्स क्वाइट डार्क, एक्चुअली डार्क आपको शायद इस वजह से भी लग रहा है, बिकॉज यू नो ये शेड भी जो है वो लाइट की वजह से बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है. लेकिन इस वक्त जो है वो मैं आईब्राउ मार्कर मस्कारा अगर इस्तेमाल करूं, तो ये आईब्राउ मस्कारा जो है ये भी बहुत आसानी से जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरी ब्रांड में ऑफ कोर्स आईब्राउ के लिए ऑलरेडी ब्लिंग ब्राउ मार्कर मौजूद था, विच इज दिस मार्कर, ये ऑलरेडी मेरी ब्रांड में मौजूद था. बट नाउ दिस दीज द आईब्रो जेल एज वेल एज द आईब्रो मस्कारा, ये बहुत आसान है लगाना. ये जो है आईब्रो मस्कारा आप ऑन अ डेली बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके से जो है वो मैं अपने आईब्राउज के अंदर ये इस मस्कारा को यू नो ब्रश कर रही हूँ, अपवर्ड्स ब्रश कर रही हूँ एंड आउटवर्ड्स ब्रश कर रही हूँ. लाइट स्ट्रोक्स के साथ मैं इसको ब्रश कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सेस कलर जो है वो ना इसमें आ जाए. बट दिस दीज आर द न्यू आईब्राउ मस्कारास दैट हैव जस्ट लॉन्च्ड, ओके. एंड ये मैं कलर नंबर 2 इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी आंखों पे अभी इस वक्त. एंड I just need the mirror a little bit closer to me. So ये है eyebrow mascara number 2, और ये जो है एक color है brown, और जो number 3 है वो है dark brown. Okay, so this was number 2 that I have used and number 3 is dark brown. Already आपको ये थोड़ा सा dark इसलिए भी लग रहा होगा, because ये light की वजह से जो है ये आपको काफी you know शायद dark लग रहा होगा, बिकॉज जो लाइट है वो बहुत प्रोमिनेंट कर रही है हर चीज को. लेकिन अगर मुझे ये थोड़ा सा अपने इस आईब्रो को सॉफ्टन करना है, तो मुझे इसको हल्का सा यहाँ फ्रंट से जो है वो मुझे इसको थोड़ा सा रिमूव करना होगा. बट येस यू नो लाइक द आईब्रो जेल इज वेरी वेरी इट्स दीज कलर्स आर अगेन वेरी सुपर पिगमेंटेड. तो इस तरीके से जो है वो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये इस तरफ जो है वो मैंने आपको आईब्रो मार्कर करके दिखाया है. सो इस तरफ आईब्रो मार्कर है, इस तरफ आईब्रो जेल है.
ओके सो जेल में जो है वो 8 कलर्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सारे जेल के कलर्स हैं। ये आप एज एन आईलाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑफ कोर्स अपनी आईब्राउज के ऊपर भी ऑफ कोर्स इस्तेमाल होगा। तो जो भी आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी आप करना चाह रहे हैं, यू कैन ईजिली यूज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, ओके नाउ ये आईब्रो का जो ये फ्रंट हिस्सा है मुझे थोड़ा सा ये तंग कर रहा है। ये मेरी जो आईब्रो है हमेशा मुझे तंग करती है बिकॉज इसमें जो है ये थोड़ी सी मुझे शेप करने में जो है ना मुझे हमेशा इसमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये आईब्रो मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है और ये आईब्रो थोड़ी सी सीधी है, तो मुझे इसकी हमेशा पॉइंट जो है वो मुझे सीधा बनाना पड़ता है। तो अच्छा ओके सो दीज वर द आईब्रो जेल्स एंड द आईब्रो मस्कारा दैट हैज लॉन्च्ड। ओके अब जो है वो नया प्रोडक्ट में से यस आई एम गोइंग टू शो यू दीज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ब्लिंगेट्स जो कि कल मैंने अपना कलर सीएना इस्तेमाल किया था। दो कलर्स अभी लॉन्च हुए हैं, एक कलर है अल्योर, दिस इज द कलर अल्योर। ओके दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कलर अल्योर और मैं आप लोगों को दूसरा कलर है इट्स अ गॉर्जियस यू नो रेड शेड विच इज कॉल्ड सीएना। वाओ आई जस्ट लव दिस ब्यूटीफुल शेड, मैंने कल भी जो है लगाया हुआ था, इनफैक्ट मैं अभी भी जो हूँ वो सीएना लगाती हूँ अपनी न्यू लिप पेंसिल्स के साथ। ये सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं ये आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। अभी जो है वो मैं इतना ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बेसिकली यू नो जस्ट टॉक अबाउट व्हाट द प्रोडक्ट्स आर और जो प्राइसेस हैं वो मैं आपको आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी या फिर जब ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो फिर आपको जो है वेबसाइट से पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं। ओके सो अमंगस्ट द लिप पेंसिल्स दैट हैव लॉन्च्ड, ये मेरी लिप पेंसिल्स हैं, इसके अंदर भी बहुत ही सारे ज़बरदस्त शेड्स हैं। ओके सो देयर इज दिस कलर बेज, मैं आपको यहीं पे ही जो हूँ वो स्वॉच करके दिखाती हूँ, ये है कलर बेज। ठीक है ओके लेट्स चेक दीज आई लाइनर्स, दीज आई लाइनर्स आर ऑल्सो नाउ एब्सोल्युटली यू नो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और ये अब पानी से भी नहीं हिलेंगे। ठीक है अच्छा जी, तो ये है शेड लिप पेंसिल का, ये है कलर बेज, सबसे जो लाइटर कलर है ये कलर है बेज। द नेक्स्ट कलर इज टॉप, टी ए यू पी ई टॉप, ये है कलर टॉप। ठीक है दिस इज द कलर टॉप, ओके ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, ओके ये है कलर टॉप। उसके बाद फिर ये है कलर टी पिंक, ये कलर है टी पिंक, ये वाला कलर, ये कलर है टी पिंक। सो ये बेज टॉप टी पिंक, ये है कलर रोज, सॉरी दिस इज द कलर चेरी। ओके नो 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 ओह गॉड आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, बेज टॉप टी पिंक यस रोज, ये है कलर चेरी विच इज अ रियली यू नो लवली ब्राइट पिंक। फिर ये है कलर ओके ये है कलर रेड, ये है कलर ब्राउन ब्राउन एंड द लास्ट कलर इज जामन, पर्पलिश सा कलर है ये जामन। ठीक है तो जामन मैं इस्तेमाल करती हूं अपने लिप को लाइन करने के लिए एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द कलर सीएना। ओके जी
लिप लाइन मैंने अपने कर लिए हैं और मैं जो हूँ वो जल्दी से अभी मैं सियना जो ये कलर है सियना जो है वो मैं लगाती हूँ. दिस इज द कलर सियना. व्हाट अ गॉर्जियस कलर. ओह Just look at this shade. Oh my god. Actually, मैं आप लोगों को ये लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ बिकॉज ये लाइट में जो है ये काफी डार्क थोड़ा सा लाइटर हो रहा है कलर, मतलब थोड़ा सा ब्लीच हो रहा है, लेकिन दिस एक्चुअली इज अ रियली लवली गॉर्जियस रेड. ये थोड़ा सा शेड जो है ये इससे ज्यादा डार्कर है एक्चुअली. सो दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड. ओके जी, तो अल्योर जो है वो मैं आप लोगों को अल्योर का भी स्वच दिखा देती हूँ बिकॉज यू नो आई हैव शोन यू सियना. सो लेट मी शो यू अल्योर. अल्योर जो है वो इज अ स्लाइटली मोर लाइक अ न्यूडिश काइंड ऑफ अ कलर, लाइक अ न्यूडिश, बहुत ज्यादा न्यूड नहीं है लेकिन पिंकी न्यूड कलर है. ये पिंकी न्यूड कलर है तो बहुत ही खूबसूरत कलर है ये अल्योर. ओके जी, अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को जो है वो पाउडर्स, लिप पेंसिल्स, आईलाइनर्स, आई टोल्ड यू अबाउट द अंडर आई प्राइमर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल ऑफ दीज शेड्स ऑफ द नियॉन आईलाइनर्स. फिर मैंने आपको अपनी सारी लिप पेंसिल्स के बारे में बता दिया है और इसके बाद आपको मैंने आईब्राउ जेल्स के बारे में बता दिया है, आपको मैंने मेरी आईब्राउ मस्कारा के बारे में बता दिया है, मैंने आपको न्यू लिपस्टिक्स के बारे में बताया है और मैंने आपको ऑफ कोर्स कॉम्पैक्ट पाउडर और बेकिंग पाउडर के बारे में बताया है. एंड देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टिंट्स and I have told you about the new restock of the eyeshadow, the eyeshadow crayons. Okay, now let's move on to something really exciting again. मेरे लिए तो हर चीज बहुत exciting होती है, which are my new Blingle glitters. और ये जो glitters हैं ये मेरे Blingle shades जो कि आप लोगों ने single shades जो eyeshadow shimmer shades हैं उन शिमर शेड्स की भी बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा रिस्पॉन्स आया है. तो उसी के बेसिस के ऊपर जो है वो अब मैंने ये सिंगल शेड्स रिलीज़ किए हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं वेरी सून. दे आर गोना बी लॉन्च्ड एंड विच आर दीज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ग्लिटर्स. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. ओह माय गॉड. अच्छा जी, ये है कलर रोज गोल्ड. ठीक है, oh my god, I just love these colors. This is the color mint. Okay, look at this. Oh my god, wow. ये है green. ये सब glitters हैं, ये सब pressed glitters हैं. ठीक है, तो आप आराम से उसको finger के साथ अपने ये है color bronze. Okay, ये finger के साथ आप जो है अभी मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ. ये है color रोज, गॉर्जियस कलर. ये है कलर लाइट ब्लू, ये कलर है लाइट ब्लू, ये कलर है लाइलैक, दिस इज द कलर डल गोल्ड. ये आप देख सकते हैं ये है कलर डल गोल्ड, ये कितना शाइन कर रहा है. फिर इसके अंदर है सिल्वर. सिल्वर, देन देयर इज सिल्वर क्रोम, उसके बाद देयर आर फोर मोर शेड्स. ये है गोल्ड, प्योर गोल्ड. ये है बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, ये है पर्ल. ओके, ये व्हाइटिश सिल्वरिश सा है. ओके, देयर पर्ल. ये है कलर क्रोम गोल्ड
एंड देन दिस इज द कलर कॉपर. ओके ये है कॉपर. ओके जी सो अभी जो है वो मैं आपको, अच्छा इसके अलावा देर आर लूज ग्लिटर्स एज वेल जो कि हैं ब्लिंगल लूज ग्लिटर्स. और ये जो ग्लिटर्स हैं ये इतने एब्सोल्युटली सुपर पिगमेंटेड हैं एंड यू नो इनकी इतनी ज़बरदस्त इनकी यू नो क्वालिटी है. दीज आर द लूज ग्लिटर्स. ओ माई गॉड जस्ट चेक दिस आउट. दिस इज द कलर गोल्ड. ओके ये है कलर क्रोम गोल्ड. ये है कलर पर्ल. ओके ये वाइटिश तो कलर है पर्ल. ये कलर है मिंट. ये कलर है येलो गोल्ड. दिस इज द कलर ब्रॉन्ज. ये बहुत ही खूबसूरत सा शेड है ब्रॉन्ज. ये है कलर रोज गोल्ड. ये है कलर कॉपर. ओके दिस इज द कलर कॉपर. आई डोंट नो अगर आप कितना उसको देख सकते हैं. एंड ये है डल गोल्ड. सो ये इतने खूबसूरत शेड्स हैं एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल. ये हैं सारे के सारे यू नो ये ऑफकोर्स अगेन आपको मिल जाएंगे वेबसाइट से. अभी नहीं मिलेंगे, दे विल बी अवेलेबल अ लिटिल वाइल लेटर. बाय नेक्स्ट वीक दे शुड बी अवेलेबल. और इसके साथ लगाने के लिए ये आई ग्लिटर ग्लू भी है. सो आपको जो है वो ग्लिटर ग्लू आपने हाथ पे जो है वो इस तरीके से लगा के ग्लिटर ग्लू को जो है वो आप अपने हाथ पे लगा के और उसके बाद आपके अपनी फिंगर से या किसी फ्लैट ब्रश से, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो फ्लैट ब्रश के साथ उठा के आप ग्लिटर भी उठा सकते हैं, डायरेक्ट आंखों पे लगा सकते हैं. या तो आप ग्लिटर जो है वो अपने ग्लू जो है वो अपने आंखों पे पहले लगा के उसके बाद एक किसी भी ब्रश के साथ आपने ग्लिटर ले के ब्रश के ऊपर और आप इसको डैब डैब करके लगा सकते हैं. ओके सो नाउ लेट मी शो यू a quick look that I can do with this glitter. मैं जो हूँ वो एक्चुअली लगाती हूँ चारकोल अपनी आंखों पे, ठीक है ना, विद जिसके साथ एक बड़ा डार्क बेस बन जाएगा और उसके ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली आसानी से जो है वो ग्लिटर यू नो मैं सेंटर में लगा लेती हूँ. सो मैं चारकोल जो हूँ वो अपनी आंखों पे इस वक्त लगा रही हूँ, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम अ क्विक बेस फॉर माई आई ताकि इसके ऊपर जो है वो मैं ग्लिटर लगा सकूं. सो ऑफ कोर्स यू ऑल अ लॉट ऑफ यू नो कि मेरे ऑलरेडी मैट न्यूट्रल जो आई शेडो पैलेट है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हुआ है. सो आप लोग जो है वो ऑफ कोर्स आई शेडो पैलेट के साथ भी अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं इस वक्त की आई शेडो क्रेयॉन के साथ जल्दी जल्दी से आपको एक यू नो क्विक सी लुक करके दिखा रही हूँ. मैंने ये क्रेयॉन जो है वो चारकोल अपनी आंखों पे लगा के उसको मैं हल्का हल्का सा फैला रही हूँ. बट राइट नाउ आई ओनली वॉन्ट टू शो यू द यूजेज ऑफ दिस क्रेयॉन. सो गॉड ओके आई एम गेटिंग लाइक अ कॉल एज वेल. ओके जी ये चारकोल मैंने इस तरीके से अपनी आंखों पे रब कर लिया है. ऑफ कोर्स इसको यू नो सही तरीके से ब्लेंड करना जरूरी है. ओके हल्का सा मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ. आई एम शोइंग यू अ वेरी वेरी क्विक लुक. मैं ये सब कोई आपको यू नो लाइक अपनी मेकअप की जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा रही हूँ. आई एम ओनली शोइंग यू क्विकली व्हाट यू कैन डू एंड हाउ यू कैन यू नो क्विकली जस्ट यूज दिस आई शेडो द ग्लिटर आई शेडो, ठीक है ना. मैं हल्का हल्का सा कोशिश कर रही हूँ उसको मैं ब्लेंड कर भी कर लूँ साथ साथ में. तो ये ब्लेंडिंग के लिए जो है वो आप आराम से ये जो ग्लैम बेब कॉन्ट्रोल किट है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू नो इट्स गॉट द ब्राउन शेड विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो अच्छा जी अब जो है वो मैंने ये अपनी आंखों पे जो है वो ब्लैक लगा लिया है. लेट्स सी कि कलर जो है वो मुझे कौन सा लगाना है. इस वक्त जो है वो मैं ग्लिटर
ग्लिटर कौन सा लगाऊं मैं? कॉपर लगाऊं? कॉपर, ओके लेट्स ट्राई कॉपर. इट्स जस्ट गोना मैच विथ माई, ओके इसके अंदर जो है ये कॉपर के अंदर ये एक जो इसका डस्ट डस्ट आउट करने के लिए एक ये इस किस्म की यू नो सीव आती है. इट कम्स विथ यू नो सीलेबल सीव और आप इसको यू नो इस तरीके से आप इसको डस्ट आउट भी कर सकते हैं और अगर आपको उसको खोल के इस्तेमाल करना है तो आप खोल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस वक्त जो है वो मैं इसको इसके ढकने के अंदर हल्का सा डस्ट आउट करूंगी इस ग्लिटर को, ओके सो दैट देयर इज नो वेस्टेज एट ऑल. हल्का सा उसको डस्ट आउट मैंने किया. जो ग्लिटर ग्लू है वो ग्लिटर ग्लू मेरे हाथ पे लगी हुई थी, ये ग्लिटर ग्लू मेरे हाथ पे लगी हुई थी और मैं इसको जो हूँ वो इस ब्रश के साथ मैं अपने आँखों के ऊपर ये ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ और इसी ब्रश के साथ मैं जो हूँ वो ये ग्लिटर उठा के, क्योंकि ये फ्लैट ब्रश है तो इसी के साथ मैं उठा के ये ग्लिटर लगा रही हूँ अपनी आँखों पे. जस्ट लुक एट दैट, ओह माय गॉड, वाओ. Just look at that. Oh my God, isn't that absolutely amazing? Wow. ये तो ब्राइडल आई मेकअप तो फौरन से 2 सेकंड में बन गया जी. हेलो, हाँ अच्छा मैं देखती हूँ. लगा दो लगा दो, मैं बता रही हूँ. ओके ओके अच्छा जी, मेरी क्लाइंट आ चुकी हुई है. जल्दी से मुझे ये वीडियो ख़त्म करनी है ताकि फिर मैं भागूँ यहाँ से. अच्छा जी, सो ये जो है ये ग्लिटर लग चुका है मेरी आंखों पे. आप देख सकते हैं इसका एब्सोल्युटली सुपर्ब रिजल्ट. ये मैंने इस वक्त कलर जो है ये लगाया है कॉपर और ये मैंने ग्लिटर ग्लू के साथ ये कलर लगाया है, ये वाली ग्लिटर ग्लू के साथ. ये आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश के साथ लगाया है ताकि ग्लिटर जो है वो कहीं पे भागे नहीं. फ्लैट ब्रश के साथ जरूरी है ताकि आप ग्लिटर को प्रेस कर सकें, ठीक है. इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू यूज द राइट काइंड ऑफ यू नो ब्रश. एंड दूसरी आंख पे अगर मैं आपको जो हूँ वो अगेन मैं जल्दी जल्दी से जो हूँ वो ये कलर मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी यूसेज. मैं दूसरी आंख पे जो हूँ वो एस्प्रेसो कलर लगा के, ठीक है, हल्का सा एस्प्रेसो कलर एक थोड़ा सा डार्क बेस बन जाता है, ठीक है. डार्क बेस के ऊपर फिर जब आप ग्लिटर लगाते हैं ना तो बड़ा अच्छा प्रोमिनेंट सा हो जाता है. सो आई एम क्विकली यूजिंग एस्प्रेसो विच इज़ द डार्कर काइंड ऑफ अ कलर, ब्राउन, डार्कर ब्राउन. बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लैकिश कलर, ये डार्कर ब्राउन शेड है. और इसको मैं हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ. इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड करना ज़रूरी है इन आई शेडो क्रेयॉन्स को बिकॉज ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं आपकी आँख के ऊपर और फिर बड़ा सुपर वाटर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, पसीने से भी नहीं हटेंगे. सो ये मैंने जो है वो कॉपर लगा लिया है. सॉरी, दिस इज द कलर एस्प्रेसो. यस यस यस, ये कलर एस्प्रेसो मैंने अपनी आंखों पे लगाया है. और दूसरी आंख के ऊपर मैं आप लोगों को ये कलर, जैसे कि कौन सा कलर लगाऊं, ओके मैं आप लोगों को ये कलर, सब मुझे कंफ्यूजन हो रही है मैं कौन सा कलर लगाऊं. ओके लेट्स पुट डल गोल्ड. डल गोल्ड बहुत फेवरेट है, डल गोल्ड हर एक का. ये प्रेस ग्लिटर है, इसको आप फिंगर के साथ भी और अपने किसी फ्लैट ब्रश के साथ, अगेन फ्लैट ब्रश के साथ बहुत जरूरी है आप जो है वो ये देखेंगे कितना सुपर पिगमेंटेड है. वाओ, ओके अब मैं जो हूँ वो इसको सिर्फ अपनी आंखों पे प्रेस कर दूंगी. Just look at that, guys. मैंने एक फिंगर स्वाइप ली थी, मैंने बहुत ज्यादा डिप नहीं किया था उसको.
एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ग्लिटर. जस्ट लुक एट दैट, इजंट दैट एब्सोल्युटली सुपर्ब. ओके, आई नीड टू टेक अ रेस्ट, आई नीड टू टेक अ ब्रीदर. ओ माय गॉड, आई लव इट. अच्छा जी, सो नाउ द आई लैशेज जो है वो बहुत पॉपुलर रही थी मेरी ऑलरेडी. फॉक्सी कैटवॉक एंड पार्टी क्वीन आई लैशेज वर ऑलरेडी लॉन्च्ड. अब जो है वो न्यू जो आई हैं, अब जो न्यू आई शेडोज जो आई लैशेज जो आई हैं, गॉड. अच्छा जी, सो दीज आर द क्वीन बी. ओके, रॉक्सैन एंड क्वीन बी. सो लेट मी शो यू, ये है रॉक्सैन आई लैशेज. बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एब्सोल्युटली अमेजिंग. यू नो, आप इसको पार्टी वेयर के लिए ही जनरली इस्तेमाल करेंगे. और ये जो है दीज आर द क्वीन बी लैशेज. ओके, तो ये है रॉक्सैन लैशेज और ये है क्वीन बी लैशेज. सो आप ये देख सकते हैं दोनों में जो है वो बड़ी, हर हर पैलेट जो है उसके अंदर अलग अलग किस्म की लैशेज हैं. कोई एक लैश जो है वो मिलती जुलती नहीं है. तो ये है क्वीन बी और ये है रॉक्सैन. ओके, दीज आर द न्यू लैशेज दैट हैव लॉन्च. एंड ऑफकोर्स मेरे पास जो ग्लू है मेरी वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ये आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि यू नो अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग माई ग्लू. So, you know, a lot of you already know ki my glue is absolutely, you know, like one of your favorites. Okay, one thing that I actually wanted to tell you, ye bahut jald launch hone wali hai. These are the Bling Glass Shiners. Ye jo hai, ye aap apne face ke upar, apne makeup se pehle, foundation se pehle, apne face ke upar, aap isko laga sakte hai as a primer, as a base, as a shiner. Okay, ye jo color hai, this is सेंशुअल. ओके, ये मैं आपको कलर का थोड़ा सा स्वाच दिखा देती हूँ. ये कलर है सेंशुअल और ये आपको बड़ी जल्दी जल्दी से जो है वो उसको रब करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी जो है ये वाटर प्रूफ है. और आपकी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर तो बड़ा ही अच्छा है, बिकॉज आपकी फाउंडेशन को जो है ये बड़ा सुपर्बली मैट कर देगा. ठीक है, तो ये जो है वो आप एज अ बॉडी शाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फाउंडेशन से पहले एज अ फेस शाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है कलर सेंशुअल. और जो दूसरा कलर है दिस इज एक्सटेसी. ओके, ये है कलर एक्सटेसी. एक्सटेसी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहां दिखाऊं फिंगर पे, अब तो जगह ही नहीं बची हाथ पे. अच्छा जी, ये है कलर एक्सटेसी. ये थोड़ा सा डार्कर शेड में है, लाइक अ स्लाइटली ब्रॉन्जी शेड. इट्स अ स्लाइटली गोल्डी ब्रॉन्जी शेड, बट ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं दोनों. और ये थोड़ा सा कलर मैंने ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लिया है, इस वजह से भी ये ज़्यादा पिगमेंटेड आपको लग रहा होगा. लेकिन ये इतना ज़्यादा यू नो गोल्ड और डार्क नहीं है. लेकिन ये एज अ बॉडी शाइनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है. तो आपका अगर आप एज अ फाउंडेशन का बेस इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑयली स्किन और यू नो एनी थिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. ऑफकोर्स आप इसको नॉर्मली यू नो नॉर्मल स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक अगर आपकी बहुत ज्यादा लाइक ऑयली नहीं है, अगर ड्राई स्किन है, तो इसमें सिरम भी मिला के आप ऐड कर सकते हैं एज अ बेस अंडरनीथ योर फाउंडेशन. ठीक है, तो ये है कलर एक्सटेसी. ओके, एंड वन ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट्स जो कि ऑफ कोर्स एज अ फिनिशर है, दीज आर द शाइनर सेटिंग स्प्रेज, शिमर सेटिंग स्प्रेज. ये दोनों जो हैं इसमें, ये देखें इसमें शाइन है. दीज आर द फिक्स इट शाइनर्स. ओके, सो ये है कलर लिमिटलेस, ये है कलर एंडलेस. सो एंडलेस शाइन, लिमिटलेस शाइन इज गोइंग टू गिव यू. सो लेट मी यूज द कलर या एंडलेस. दिस इज अ ब्यूटिफुल गोल्डी गोल्डी साइज का शाइनर है, ये देखें. सो नाउ इफ आई यूज दिस ऑल ओवर माय फेस इज गोना गिव मी एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शाइन. ओके,
थोड़ा सा ऑफ कोर्स इसको ड्राई होना ज़रूरी है सो दैट इट ड्राइज अप एंड देन इज गोना गिव योर इंटायर स्किन एंड एब्सोल्युटली ग्लास लाइक शाइन ऑल ओवर. सो ऑफ कोर्स आप सब की डिमांड की वजह से हर एक को जो है वो शाइन और ग्लो इतना ज़्यादा पसंद है और ख़ास तौर पे जो मेरी स्किन पे इतना शाइन एंड ग्लो रहता है वो आप सब लोगों को इतना पसंद है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो शाइन और ग्लो के लिए और चीज़ें लाई जाएं. तो दिस इज़ द फिक्सिट शाइनर विच इज़ ऑफ कोर्स जो आप बिल्कुल अपने मेकअप के आखिर में इस्तेमाल करेंगे. एंड ओके जी. हेलो हेलो. हाँ एरिया कौन सा है? हाँ. अच्छा इससे पूछो अगर ये मंगा सकता है ना शाजिद वरना हो जाएगा. हाँ ठीक है. हाँ. बिल्कुल ओके. ओके गाइस सो दीज वर द फिक्सिड शाइनर्स एंड ये आपके ब्लिंग ग्लास स्किन ये आपका बॉडी के ऊपर बाद में भी आप लगा सकते हैं और इसको आप फाउंडेशन के से पहले भी आप लगा सकते हैं. ठीक है तो ये है सारी प्रोडक्ट्स. आई होप कि मैंने आपको अपनी सारी न्यू लॉन्चेस दिखा दी हूँ बिकॉज मुझे तो इस वक्त अब कंफ्यूजन हो रही है कि क्या क्या कुछ जो है वो आपको मैं और एक्स्ट्रा दिखाऊं लेकिन येस आई थिंक आई हैव प्रिटी मच शोन यू एवरी सिंगल थिंग एंड आई हैव शोन यू द प्राइमर मस्कारा एंड द नियॉन आईलाइनर्स. I've shown you the powders, I've shown you the lip pencils, I've shown you the tints. सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है. आपको मैंने प्रोडक्ट यूजेज भी बता दी है, एप्लीकेशन भी बता दी है एंड ऑफकोर्स ये जो शाइनर हैं ये अब जो है मैंने लगा लिया है. अब मेरे फेस के ऊपर ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि मेरी फेस मेरी पूरी स्किन जो है वो कितना ग्लो और कितना शाइन कर रही है इवन विदाउट रियली अप्लाइंग अ हाईलाइटर. ठीक है ना, मतलब कि ऑल ओवर मेरी जो स्किन है वो अब कितना शाइन कर रही है. सो ये आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा एंड दिस इज गोना बी अवेलेबल बाय नेक्स्ट वीक ऑन द वेबसाइट. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये बहुत ही अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई है बट यू नो आई थिंक दिस इज बीन रियली वर्थ इट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड यू नो दिस इज समथिंग दैट आई वॉज रियली एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइज बिकॉज अभी रिसेंटली इतने न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे कि जी इसकी यूजेज हमें अब बता दें. तो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो ज़रूर जब ये आप लोग मेरे पेज को क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेरे पेज को फॉलो कर रहा है मेरे ब्लिंग के पेज को, नॉट मेरे पेज को, मेरे ब्लिंग के पेज को जो फॉलो कर रहा है उन सबको जो है बहुत जल्द पता लग जाएगा कि ये सारी प्रोडक्ट्स कब लॉन्च हो रही हैं. तो गाइज stay in touch and stay connected and stay happy and I hope that you all have a fantastic year. This is the beginning of the year and I'm super excited to start this year with this absolute bang of all these new products and thank you so much for watching and I have to leave now and take care of yourself. Khuda hafiz, bye.